दोस्तों उत्तर प्रदेश होमगार्ड से संबंधित काफ़ी ज़रूरी अपडेट्स निकल कर आ रही हैं। दोस्तों बताऊंगा इन अपडेट्स के बारे में पूरा डिटेल से। वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चले चलते हैं पहली अपडेट की तरफ। दोस्तों आपको स्क्रीन पर एक आदेश दिख रहा होगा, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पूरा डिटेल से देख लीजिएगा। आपकी सहूलियत के लिए मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ इसमें क्या लिखा हुआ है। आदेश में देखें तो ऊपर की तरफ लिखा है, प्रेषित जिला कमांडेंट होमगार्ड झांसी बुलंदशहर कानपुर नगर एवं मेरठ 4 अप्रैल 2020 को प्रेषित किया गया है। विषय लिखा है कोविड 19 वैश्विक महामारी होने के दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था कानून व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत नियोजित किए गए होमगार्ड स्वयंसेवकों की स्वीकृति प्रदान किए जाने के संबंध में। दोस्तों यहां पर कोरोना वायरस के हाई अलर्ट को देखते हुए होमगार्ड्स की ड्यूटी लगाई गई है। नीचे की तरफ पूरी सारणी दी हुई है, यहां पर लिखा हुआ है पहले नंबर पर जिलाधिकारी झांसी, यहां पर लिखा हुआ ड्यूटी की अवधि 4 अप्रैल 2020 से लेकर 30 जून 2020 तक के लिए, यानी कि 88 दिनों के लिए ड्यूटी लगना है। कुल 550 होमगार्ड लगने हैं। इसी तरीके से नंबर 2 पे लिखा हुआ है जिलाधिकारी बुलंदशहर, यहां पर ड्यूटी अवधि लिखी हुई है 3 अप्रैल 2020 से अग्रिम आदेश तक के लिए। यहां पर दिनों की संख्या नहीं लिखी हुई है क्योंकि अग्रिम आदेश जब तक नहीं आ जाता जब तक ये ड्यूटी लगी रहेंगी। यहां पर 100 होमगार्ड्स की ड्यूटी लगना है। नंबर 3 पे देखें तो लिखा हुआ है डीआईजी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कानपुर नगर, यहां पर ड्यूटी अवधि लिखी हुई है 4 अप्रैल 2020 से लेकर 30 जून 2020 तक के लिए, कुल 88 दिनों के लिए होमगार्ड्स की ड्यूटी लगना है। 700 होमगार्ड यहां पर लगना है। इसी तरीके से नंबर 4 पे लिखा हुआ है जिलाधिकारी मेरठ, यहां पर ड्यूटी अवधि लिखी हुई है 4 अप्रैल 2020 से लेकर 30 जून 2020 तक के लिए, यहां पर कुल 88 दिनों के लिए ड्यूटी लगना है। 150 होमगार्ड्स की ड्यूटी लगेगी। देखें तो कुल मिलाकर 1475 होमगार्ड्स की ड्यूटी यहां पर लगना है। दोस्तों विभाग इस टुकड़ों में ड्यूटियां लगा रहा है। अभी तक 26519 ड्यूटी को एक साथ बहाल नहीं किया गया, जो ड्यूटी अभी कुछ दिन पहले ही स्थगित की गई थी। आप लोग कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा, आपको क्या लगता है क्या उन ड्यूटियों को विभाग बहाल करेगा या फिर नहीं, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में आके जरूर लिखिएगा। चले चलते हैं आज के अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट निकल कर आ रही है कानपुर नगर से। आपको स्क्रीन पर एक पत्र दिख रहा होगा, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पूरा डिटेल से देख लीजिएगा। आपकी सहूलियत के लिए मैं इसको जूम करके दिखाता हूं कि इस पत्र में क्या लिखा हुआ है। पत्र में लिखा है, सेवा में पुलिस महानिदेशक कमांडेंट जनरल होमगार्ड उत्तर प्रदेश लखनऊ, लिखा हुआ है कृपया सादर अवगत कराना है कि वर्तमान में जनपद कानपुर नगर में मुस्लिम जमात के 6 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए जाने एवं वर्तमान में लॉकडाउन के दृष्टिगत रखते हुए जनपद में कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु अतिरिक्त होमगार्ड की आवश्यकता है। अतः अनुरोध है कि उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए जनपद कानपुर नगर हेतु 700 अतिरिक्त होमगार्ड जून 2020 तक आवंटित करने की कृपा करें। डीआईजी एसएसपी कानपुर नगर। दोस्तों यहां पर 700 होमगार्ड की ड्यूटी बहुत ही जल्दी लगा दी जाएगी क्योंकि पत्र लिख दिया गया है। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट निकल कर आ रही है मेरठ से। यहाँ पर अपडेट लगाई गई है, एसएसपी ने मांगे 125 होमगार्ड जवान, पत्र भेजा। कोरोना वायरस के खिलाफ छिड़ी जंग में पुलिस के साथ होमगार्ड भी कंधे से कंधा मिलाकर मैदान में डटे हुए हैं। इनकी इस दिलेरी को देखते हुए एसएसपी ने जिला होमगार्ड कमांडेंट से 125 अतिरिक्त होमगार्डों की मांग कर दी है। वहीं जिला होमगार्ड कमांडेंट राजेंद्र सिंह ने बताया कि मेरठ में 1794 होमगार्डों की ड्यूटी जिला व पुलिस प्रशासन के सहयोग में लगी हुई है। अतिरिक्त होमगार्ड की मांग के संबंध में शासन को पत्र भेजा गया है। देश में 24 मार्च से संपूर्ण लॉकडाउन चल रहा है, ऐसे में कानून व्यवस्था का पालन कराने के साथ ही लोगों की मदद के लिए पुलिस जवानों के साथ होमगार्ड भी बिना छुट्टी लिए पूरी तत्परता से दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं। होमगार्ड के इस हौसले से एसएसपी अजय साहनी काफी प्रभावित हुए। जिला होमगार्ड कमांडर ने कहा कि उनके होमगार्ड कोरोना वायरस से जंग के लिए पूरी तरह तैयार है। वह 22 मार्च से बिना अवकाश के ड्यूटी कर रहे हैं। सभी ने अपने खर्चे से सैनिटाइजर और मास्क खरीदे हैं। दोस्तों बहुत ही जल्दी मेरठ में भी 125 होमगार्ड्स की और ड्यूटी लगाई जाएगी। दोस्तों यहां पर एक अफसोस की बात निकल कर ये आ रही है कि होमगार्ड भाइयों को अपने खर्चे से मास्क और सैनिटाइजर खरीदना पड़ रहा है। बहुत ही अफसोस की बात है इस वक्त में, जब होमगार्ड भाइयों को उनका वेतन भी अभी तक नहीं मिला, कई महीने का वेतन रुका चल रहा है, उसके बाद भी मास्क और सैनिटाइजर अपनी जेब से खरीदना पड़ रहे हैं। दोस्तों आप लोग कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा इस मामले पर। वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो के ठीक नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उसको दबाइए और दबाने के बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, आप उसको भी दबाइए ताकि इस तरह का हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।